नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। फिर से आपका एक नए ब्लॉग में स्वागत है और आज ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ रास्ते से, क्योंकि हम जा रहे हैं ऋषिकेश और दिन के बज रहे हैं 1 और साथ में है हस्बैंड। हाय दोस्तों। तो आज ना ऋषिकेश में है बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट काम और आज आप देख रहे होंगे मेरे साथ ना तो राजा है ना तो फेरिया है। फेरिया है घर पर क्योंकि वो आकाश को इतना ज्यादा पसंद करती है कि वो आ ही नहीं रही थी। मैंने इतनी कोशिश करी तो इसी वजह से हमने सोचा हम दोनों ही चले जाते हैं। हमारे साथ ना अक्सर फेरिया ही जाती है तो आज हम दोनों अकेले जा रहे हैं। इतना अजीब सा लग रहा है ना, मतलब मन नहीं लग रहा है, अजीब सा हो रहा है ना, ऐसा लग रहा है खाली खाली, क्योंकि उसके साथ बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं इधर ना निकल जाए उधर ना निकल जाए, और ऐसा लग रहा है कुछ काम ही नहीं है मेरे पास, तो उसके साथ ही बिजी रहती हूँ मैं, तो खाली खाली लग रहा है, अजीब सा लग रहा है, जैसे कुछ खो गया हो। वही तो क्या कर सकते हैं, पर जल्दी आ जाएंगे ना। वही तो। तो निकल पड़े हैं हम ऋषिकेश के खूबसूरत सफ़र पर और लगभग 1 घंटा लग जाता है देहरादून से ऋषिकेश पहुंचने में। तो मैं इस सफ़र को बहुत ज़्यादा इंजॉय करती हूं और ऋषिकेश तो मुझे वैसे ही बहुत ज़्यादा पसंद है और यहां पर बहुत सारे टूरिस्ट प्लेस हैं घूमने के लिए। मतलब ऋषिकेश की एक एक जगह सिर्फ घूमने के लिए ही बनी है, हर जगह उसकी इतनी खूबसूरत है। और अब हम पहुंच चुके हैं 7 मोड़ रोड पर और ये बहुत ही डिफ़िकल्ट रोड माना जाता है। रात को यहाँ पर 12 बजे के बाद मतलब हाथी वगैरह निकलते हैं, रात को बहुत ही कम लोग इस रोड पर जाते हैं। तो दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं ऋषिकेश और हम जब भी ऋषिकेश आते हैं तो इसी रास्ते से आते हैं और जब हम इस रास्ते से आते हैं तो यहाँ पर इस रास्ते पड़ता है हमारा मैडम का स्कूल, जिसमें मैंने सबसे पहले जब मैं स्कूल गई थी तो यहाँ पर, और जब भी ये आती है ना इस स्कूल में आते ही ऐसे खिलखिलाती है जैसे कमल का फूल। मेरा स्कूल आज मेरा स्कूल, अभी दिखाते हैं आपको इनका स्कूल। तो दोस्तों ये है इनका स्कूल सरस्वती शिशु विद्या मंदिर। अरे वो चली गई उतर गई गाड़ी से। इसको बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे आना ना, ये इसको देखना, बचपन में पढ़ाई थी भाई इसने यहाँ, ऐसा लगता है अभी भी ड्रेस पहन के ना दो चुटिया लगा के अभी भी स्कूल। अबे कहाँ कुछ गई, छुट्टी हो गई, आ जाओ आ जाओ। दोस्तों अब हो गई छुट्टी, आओ छुट्टी हो गई, ऐसा मन कर रहा है जैसे आप भी मेरी छुट्टी हुई हो। चलो तो अरे यार कितनी खुशी होती है। चलो बैठो। तो आज ना मैंने आप सबको अपना पहला स्कूल दिखा दिया जिसमें पापा मम्मी मुझे लेकर गए थे। पहले दिन तो मैं बहुत ज़्यादा रोई थी, इसके बाद कभी नहीं रोई स्कूल जाने में। तो जितनी भी शिक्षा मैंने ली है सब ऋषिकेश से ही हुई है, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन तक MA BEd सब यहीं से करा है मैंने। और देहरादून में जाकर तो सिर्फ तैयारी करी है मैंने पेपर की जितनी भी, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। और अब निपटाते हैं ऋषिकेश के जो भी काम है। तो जो हमारा मेन काम था वो एम्स में था तो वो निपट चुका है, तो चलिए अब चलते हैं आगे। हेलो सान जी, अब देखिए इनकी फ्रेंड मिल गई है, इनका भक्त मिला, आप देखिए। नमस्ते जी, ठीक हो? बस मिल लो आप, कोई नहीं कोई नहीं, कहीं जाना है। इतने दिन बाद हम मिले तो काफी अच्छा लगा है ना, तो बीएड की यादें हम ताजा कर रहे थे। ये तो बीएड से पहले मुझे मिली थी, जब मैं बीएड की तैयारी कर रही थी कोचिंग कर रही थी तब मेरी मुलाकात हुई थी, इसके बाद हम अचानक से मिले बीएड में। तो काफी फ्रेंड मेरे बीएड के यहाँ पे और सबसे जो बेस्ट फ्रेंड है मेरी ये है, इसका नाम है शांति और ये मेरी सबसे बेस्ट फ्रेंड और ये मुझे प्यार से इसको बोलती हूँ मैं गोलू गोलू। जब भी फोन करती है ना मैं बोलती हूँ हेलो शांति, ये बोलती गोलू क्योंकि ये गोलमोल है और ये बहुत प्यारी भी है बहुत अच्छी भी है। चलो तो मिल लिया आज इससे, काफी अच्छा लगा और चलते हैं फिर, ठीक है। फ्रेंड से मिलने के बाद मैं आई हूँ गंगा जी के दर्शन करने और गंगा जी है हमारे घर के बिल्कुल पास, जो मेरा मायका है उसके बिल्कुल जस्ट पास में है, मरीन ड्राइव है और पहले से तो काफी खूबसूरत बन गया है
और ये है हमारी गंगा मैया, जिनको मैं देहरादून में बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ, क्योंकि शादी से पहले मैं हर शाम को यहीं पर घूमने आया करती थी, मैं और मेरी फ्रेंड्स, जो मैंने कुछ एक फ्रेंड्स को आपसे मिलाया है, और बहुत सारे फ्रेंड्स हम आया करते थे। डेली का डेली हमारा काम था, शाम को 4 बजे निकलना ही है और 6-7 बजे हम घर में जाते थे। और यहीं पर मेरी इनसे मुलाकात हुई थी, ऋषिकेश में ही ये मुझे मिले थे। जी हाँ, यहीं से इनके हमारे दर्शन हुए थे। दर्शन हुए थे, तो ये भी यहीं रहते थे, तो शादी हमारी ऋषिकेश में ही हुई थी, फिर हम जाके देहरादून शिफ्ट हो गए। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है गंगा मैया को देखकर, तो आज ना मतलब दिल को जिसे कहते हैं सुकून मिल रहा है बहुत ज़्यादा। तो ये चीज़ें ना मैं देहरादून में बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ, मैं रियली बता रही हूँ। जो खूबसूरती मुझे ऋषिकेश में दिखती है वो देहरादून में अब मुझे इससे ज़्यादा नहीं दिखती है। वो भी खूबसूरत है लेकिन ऋषिकेश मुझे ज़्यादा खूबसूरत लगता है। भाई साहब अपना घर सबको अच्छा लगता है। नहीं, ऋषिकेश है भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। नहीं अच्छा है। और यहाँ पर थोड़ी देर में बैठूंगी, आराम से सुकून से गंगा जी की कल कल की आवाज सुनूंगी, और प्यारे प्यारे पक्षी यहाँ पर तैर रहे हैं इसमें। और ये प्रवासी पक्षी हैं, केवल सर्दियों के टाइम पर ही आते हैं। मैं आपको दिखाने की कोशिश करती हूँ कैमरे से। ये देखिए, कुछ तो एक दिख गए, ये देखिए। तो काफी खूबसूरत लगता है माहौल, ये देखिए। गंगा जी का आचमन कर लेते हैं। अच्छा लग रहा है, सच्ची कर रहा मेरा जाने का। अच्छा ना करे भाई साहब, मारा क्या होगा। वो कहाँ गया मेरा भाई, कहाँ गया। और हमारे साथ आया हुआ है मेरा छोटा भाई, ये मेरा छोटा भाई है और जो यहाँ पे रहता है ऋषिकेश में, तो इससे भी मुझे मिलना था और इसे भी साथ में लेकर आई हूँ। हेलो गाइस, आपसे मिलके अच्छा लगा। अच्छा, ये मेरी सिस्टर है। हाँ, सबको थोड़ी पता है तू मेरा भाई है। आपने बोला सुना होगा, तू मेरा भाई है, मैं तेरी बहन हूँ, है ना। वो तो है। मैं आपका पति हूँ। ये मेरे पति। लाइफ इज बेटर व्हेन यू स्माइल। हंसते रहो, सबको हंसाते रहो, हैप्पी रहो, हैप्पी रहो। तो अभी बज रहे हैं शाम के 4:30 और मैं घूम रही हूँ मरीन ड्राइव पर, और काफ़ी मुझे खुशी हो रही है। और कम से कम 2 किलोमीटर की दूरी पर यहाँ पर बैराज पुल है, और वहाँ पर है कुनाव गांव। तो हम पहले वहाँ जाया करते थे घूमने के लिए, वहाँ से वापस लौट कर आया करते थे। तो जैसे जैसे मैं यहाँ से चल रही हूँ वैसे वैसे मेरी पुरानी यादें ताज़ा हो रही है ना सर। ये मेरे साथ नहीं आया कभी घूमने। नहीं आता, मैं हमेशा आता हूँ। कब आया था? बहुत घूमे रोज गंगा जी के किनारे ना, गंगा जी में घूमते रहे, बहुत देर तक बैठे रहे, इसकी पुरानी यादें जो है ताज़ा करते रहे, और उसके बाद अब चलते हैं देहरादून। सोचा था कि घर जल्दी निकल जाएंगे लेकिन काफी लेट हो गया है। कितने बज रहे होंगे अभी? 5:30 हो गए। 5:30 हो गए, तो दिन छिप गया, तो रात हो ही जाएगी। मैं पहुंचते पहुंचते फेरिया भी वेट कर रही होगी। तो मैं घर पहुंच चुकी हूँ, वो तो वेट कर ही रहे हैं, उनसे ज्यादा बेसब्री मुझे हो रही है मिलने की। हाँ हाँ मेरा बच्चा। पागल हो गए दोनों। क्या हुआ भाई? हाँ हाँ हाँ, बस बस बस, अरे चलो 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 चलो, आओ बस लो। तो अब जाके हमें भी सुकून मिला इनसे मिलकर, और जितने ये खुश थे उससे ज्यादा हम खुश थे। तो दोस्तों, ये था आज का व्लॉग, आई होप आप सबको जरूर पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नए व्लॉग में।